ओके गुड मॉर्निंग क्लास। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले मैं अपने ज्वाइन विद रवि क्योंकि चैनल है इस पर वेलकम करूँगा। और यहाँ 34 क्लास है, प्लेलिस्ट है, आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर है पोस्टमार्टम क्लास ऑफ मीड टू, ये पोस्टमार्टम क्लास है, मतलब यहाँ पूरा मीड टू जितना जैसा भी चाहेंगे मिलना वैसे मिलेगा। तो यहाँ पर देखो सिचुएशन क्या होगी, कंडीशन अप्लाई होगी और आंसर भी चेंज होता रहेगा। कैसे होगा, जैसे अगर ये आपका मीड टू है, ध्यान दीजिएगा, मीड टू के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा है ना, मीड टू के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा है तो इसका अर्थ जो निकलता है वो निकलता है करना ही तो है, करना ही तो होता है या करने के लिए ही तो बने। इसका अर्थ किससे निकलता है, करना ही तो है, या निकलता है करना ही तो होता है, करना ही तो होता है, करना ही तो होता है, या जो है निकलता है करने के लिए ही तो बने हैं, करने के लिए ही तो बने, इस तरह का सेंस निकलता है ना। अच्छा ये सेंस आपके केवल स्पीकिंग के पर्पस से इंपॉर्टेंट है और ये सेंटेंस से ज्यादा समझ में आएगा, है ना। तो मेड टू, चलो एक ये हो गया, क्लियर है ना। और जो दूसरा होता है ना, अगर यही मेड टू के साथ हम ऐड कर देते हैं, अब एग्जांपल बताते हैं, अगर मेड टू के साथ में बी को लगा देते हैं और उसके बाद में एडजेक्टिव कर देते हैं, मीड टू के साथ में क्या लगा देते हैं, बी कर देते हैं और उसके साथ में एडजेक्टिव लगा देते हैं, तो इसका अर्थ निकलता है, क्या निकलता है, इसका अर्थ जो निकलता है ना वो निकलता है होना ही चाहिए या होना ही होता है या होने के लिए ही बने, बी मतलब होना होता है। तो इसका अर्थ किससे निकलता है, होना ही चाहिए। अभी आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बस एक मिनट समझ तो लो, फिर उसके बाद अभी पूरा सेट हो जाएगा, डायरेक्ट माइंड सेट हो जाएगा। इसका अर्थ है होना ही चाहिए, क्या निकलता है, होना ही चाहिए या होना ही होता है, होना ही होता है या जो है इसका अर्थ निकलता है होने के लिए ही बना है, होने के लिए ही बने, इस तरह का सेंस निकलता है ना। इसका सेंस इस तरह से निकलता है, अगर मेड टू के साथ में बी लगा देते हैं तो, और उसके साथ क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए, इतना क्लियर है ना। लेकिन अगर इसके साथ में हम हैव लगा दें, मतलब तीसरी कंडीशन जो बनती है, पहले सारी कंडीशन देख लेते हैं, अगर ये बन जाए आपका मीट टू है बात है और इसके साथ वो नाउन हो, है ना, या मीट टू ही डायरेक्ट कर देते हैं, मीट टू है बात है और इसके साथ नाउन हो तो इसका अर्थ निकलता है मतलब पास, पास होना ही चाहिए, जैसे पास होना ही चाहिए के सेंस में निकलता है, क्लियर। एक कंडीशन और बनती है, अगर मीड के साथ में फॉर लग जाता है, चलो उसको हम लास्ट में बताते हैं लेकिन लिख देते हैं, चलो मीड के साथ में अगर फॉर लग जाता है और इसके बाद में कुछ हो, समथिंग समवन है ना, या जो है आपका वो डूइंग समथिंग है ना, इसके साथ में सिचुएशन क्या हो सकती है, डूइंग समथिंग हो या केवल समथिंग हो या समवन हो, ये चीज हो, है ना। तो इसका अर्थ कैसे निकलता है ये चीज समझना,
तो यहाँ देखो सबसे पहले अभी इनको छोड़ते हैं, पहले इनको मीट टू के साथ अगर फर्स्ट फॉर्म हो तो इसका अर्थ निकलता है कि इसे करना ही तो है ना, करने ही तो होता है, या जो है करने के लिए ही बने। जैसे अगर हम कहते हैं अध्यापक, बताओ क्यों होता है अध्यापक पढ़ाने के लिए? तो अध्यापक पढ़ाने के लिए तो होता है, अध्यापक पढ़ाने के लिए ही तो बने हैं, अध्यापक का काम पढ़ाना ही तो होता है, याद तो हमें ही करना है, नहीं समझे? अगर हम कहते हैं अध्यापक मतलब टीचर, तीन तरीके से बोल सकते हैं, टीचर पढ़ाने के लिए ही तो होते हैं, के लिए, हाँ पढ़ाने के लिए ही तो होते हैं, है ना, या टीचर का काम पढ़ाना ही तो होता है, है ना, या टीचर पढ़ाने के लिए ही तो बने होते हैं या बने हैं, या अध्यापक इसलिए होते हैं ताकि वो पढ़ाएं, समझ में आया? तो इन सबकी एक ही इंग्लिश होगी। अभी बढ़िया एकदम समझ में आएगा। देखो टीचर्स, ध्यान से समझना, टीचर्स आर मेन, इसका मतलब क्या हुआ, टीचर्स आर मेन मतलब टीचर्स का जो मतलब निकलता है ना, टीचर का जो काम होता है, टीचर होते क्यों हैं, टू टीच पढ़ाने के लिए, खत्म। टीचर्स पढ़ाने के लिए होते हैं, टीचर्स का मतलब पढ़ाना होता है, टीचर्स का काम ही पढ़ाना है, टीचर्स पढ़ाने के लिए ही बने होते हैं, टीचर्स का काम ही है पढ़ाना, नहीं समझे? सबका मतलब सीधा, टीचर्स आर मेंट टू, टीचर्स का मतलब पढ़ाना, टीचर्स के काम का मतलब पढ़ाना, टीचर्स होते क्यों, पढ़ाने के लिए, टीचर्स बने क्यों, पढ़ाने के लिए, समझे नहीं समझे? समझ में आया? अगर हम कहते हैं नौकरों का काम, बताओ नौकरों का काम सेवा ही तो करना होता है, नौकर सेवा करने के लिए ही तो बने हैं, टीचर्स आर मेड टू सर्व, नहीं अरे नौकर की बात है, है ना, तो सर्वेंट्स आर मेड टू सर्व। देखो हिंदी वाला सेंटेंस अच्छा लग रहा, बहुत पंगा होगा इंग्लिश में, इंग्लिश में एकदम इजी है ना। अब आप यूज करो, फादर्स हर बाप का काम क्या होता है, फादर्स आर मीन टू सर्व देयर फैमिली, हर बाप का मतलब क्या होता है, अपनी फैमिली की देखरेख करना, कौन सा इसमें एहसान कर रहे हैं भाई, पापा का तो काम ही होता है ना बच्चों की परवरिश करना, देखरेख करना हर चीज, है ना। स्टूडेंट्स आर मीन टू लर्न, इसमें आप पढ़ रहे हो एहसान थोड़ी कर रहे हो भाई, विद्यार्थी है ना, काम ही होता है विद्या का अध्ययन करना, विद्यार्थी बने ही होते हैं विद्या के अध्ययन के लिए, विद्यार्थी का मतलब ही होता है कि विद्या अर्जन करना, नहीं समझे, समझ में आया? योर वर्क आर मीन टू स्टडी, हाँ योर वर्क आर मीन टू स्टडी, तुम्हारा काम ही है पढ़ना, तुम पढ़ने के लिए बने हो, है ना, समझे इतना? तो इंग्लिश का सेंटेंस बड़े, और ये अगर बोलोगे हर कोई समझेगा, हर कोई समझेगा, क्लियर है? डॉक्टरों का काम बताओ, डॉक्टरों का काम मरीजों का इलाज करना ही तो है, डॉक्टर मरीज के इलाज कर, डॉक्टर लोग मरीजों के इलाज करने के लिए तो बने हैं, डॉक्टर को मरीजों का, डॉक्टरों को इसलिए बनाया जाता है ताकि वो मरीजों का इलाज करे, डॉक्टर, समझे? तो डॉक्टर्स आर मेड टू, हाँ टू ट्रीटमेंट, या टू ट्रीट द पेशेंट, मेड टू ट्रीट द पेशेंट, क्लियर ना? रानी की शादी उस लड़के से ही होनी है, रानी उसी के लिए ही बनी है, ऐसा कुछ नहीं है ना? जैसे आप बाप मान लो चैलेंज कर रहे, तुम्हारी शादी इसी लड़के से होनी है, मींस क्या हुआ, यू आर मीड टू मैरिज दिस वन, तुम्हारा काम ही है इसी लड़के से शादी करना, या कुछ भी ऐसे, कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं ना,
समझ में। तो रानी की शादी उस लड़के से ही होनी है, मतलब रानी जो है उस लड़के के लिए ही बनी है, रानी का काम ही उस लड़के से शादी करना, इसका मतलब ये निकल रहा है। तो रानी इज मेड टू, हाँ, मैरी डेट बॉय, मैरी डेट बॉय, समझ में आया। किताबें ज्ञान बढ़ाने के लिए ही बनी है, किताबें ज्ञान बढ़ाने के लिए ही होती हैं, किताबों का काम ही है कि अच्छी अच्छी चीजें प्रोवाइड करना। तो द बुक्स आर मेड टू, नहीं बुक्स बस सीधा किताबें का काम है, द बुक्स आर मेड टू इंक्रीज द नॉलेज, इनहांस द नॉलेज। समझ में आया, बढ़िया समझ में आया। आज के बाद बोलोगे, हाँ आज के बाद बाप से सुविधा कर देना, फादर हमें पढ़ा रहे हो एहसान नहीं कर रहे, बिकॉज फादर इज नीड टू टीच देयर चिल्ड्रन। बाप का मतलब होता है कि अपने बच्चे को क्या करें, पढ़ाएं। समझे, आदमी कहता है ना, कई सारे लोग घर के लोग कहते हैं पैदा किए हैं बेटा, पढ़ाना तो पड़ेगा ही तुमको, 12वीं तक पढ़ा देते हैं, उसके बाद शादी करवा देते हैं तुम्हारी, तब जिम्मेदारी हमारी खत्म। घर वाले को ऐसा लगता है कि जब तक शादी नहीं करवा देते हैं तब तक सारी जिम्मेदारी हमारी, और जैसे शादी करवा दिए अब ये सुना जाए, मतलब सारी जिम्मेदारी किसकी हो गई, अब इसकी हो गई, पूरा खर्चा संभाले, उस दिन वो मुक्ति पाते हैं जिस दिन ऐसा। इसीलिए गांव के लोग बहुत ज्यादा जल्दी में रहते हैं, भैया एक बवाल खत्म, खर्चा खत्म, है ना, सारी प्रॉब्लम खत्म, टेंशन खत्म, सब खत्म करना चाहिए, है ना। और कई सारे बच्चे होते हैं वो कहते हैं नहीं अभी नहीं, अभी 4 साल और तुम्हारा सिर खाएंगे, तुम इसे पैसा खाएंगे, है ना। अरे भाई तुम बाहर रह रहे हो, 25 साल के हो गए, शादी होगी तो आप अपना खर्चा हर चीज अपने हिसाब से मैनेज करोगे, फैमिली होगी, नहीं हुई बाप 100 रुपए दो। अब बाप भी अभी कल दिए तो थे, अरे अब वहां खत्म होने वहां तेलवना घर वाले में 80 रुपए के 20 रुपए कुछ खाए पे ना, तो वैसे ऐसे आप बताते हो और बाप एकदम तंग आ जाता है, पता नहीं कब नौकरी पाएगा, ये काम करो, इसको कुछ जिम्मेदारी आई इसके सिर पर तब इसके समझ में आएगा, तो जिम्मेदारी लाते हैं। अब भगा तो सकते नहीं क्योंकि बाप का काम क्या है, फादर आर में, फादर इज मेड टू, हाँ सर, या टेक केयर देयर पेरेंट्स एंड देयर वाइफ्स, हिज वाइफ है ना। चलो समझ में आया है, उसे यहाँ ही चिल्ड्रन होगा। चलो ठीक, अब क्या होगा, मेन टू बी के साथ अगर एडजेक्टिव लगेगा तो इसका मतलब क्या होगा, होना ही चाहिए या होना ही होता है या होने के लिए ही बने। जैसे अगर हम कहते हैं पुलिस को बहादुर होना ही चाहिए, या पुलिस मतलब पुलिस, पुलिस ने बहादुरी का काम किया तो कौन सा काम है, पुलिस बहादुरी के लिए बने ही रहे हैं, पुलिस बहादुरी के लिए होते ही हैं, पुलिस को बहादुर होना ही चाहिए। तो जब होना ही होने की बात आ जाए तो उसी में बी लगा देना, हाँ, तो द पुलिस आर मेड टू बी ब्रेव, द पुलिस आर मीन टू बी ब्रेव, मतलब पुलिस जो है किसके लिए बने, भाई बहादुरी के लिए बने। अब तुम हर चीज बाप पर अप्लाई कर रहे हो, अप्लाई मत करना, देखेंगे बहुत मारेंगे, है ना। हमारा पापा भी अगर देखेगा वो भी कहेगा ये लौंडा बिगड़ गया है। चल ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो, ध्यान दे, अगर हम कहते हैं कि पापा है ना, पापा किसके लिए बने हैं, हाँ पापा हम लोग को पैसा देने के लिए ही बने, पापा का काम ही हम लोग को पैसा देने, तो ये इसमें चला जाएगा। लेकिन जब होने की बात आए तभी वहां पर लगाना, हर जगह अप्लाई मत करना, जहां पर होने की बात आए वहां पर अप्लाई करना, है ना। जैसे हमने कहा पुलिस को बहादुर होना ही चाहिए, तो अब करो पापा को धनवान होना ही चाहिए, तभी तो फैमिली के काम
कंगाल रहेंगे कहाँ से, तो पापा को धनवान होने, अमीर है तो कौन सा ऐसा नाम है, बाप को तो धनवान होने चाहिए, सार्वभौमिक सत्य है, धनवान देंगे तभी अच्छे से परवरिश करेंगे, नहीं दिन भर मजदूरी करेंगे शाम को खिलाएंगे, फिर है घर जो तो खिलाएंगे, है ना, तो पापा को धनवान होना ही चाहिए, तो क्या हो जाएगा, फादर आर मेड टू बी रिच, है ना, किसी पापा धनवान वो कह रहे हैं यार हमारे पापा, तुम कह रहे यार तुम पापा को धनवान होने चाहिए, ये तो सही है, हमारे पापा नहीं है, देखो दिन भर काम करते बेचारे, हम दिन भर ऐश करते बढ़ गए एकदम एकदम मस्त, मांगते सब रुपया, सब 50 रुपया दोस्तों बीच में 50 रुपया तेल करवाते हैं, 50 रुपये 70 रुपये हम झूमे, 30 रुपये हम घूमे, है ना, तो ये चीज समझ में आए, मतलब समझिए ये केवल एक जस्ट समझने के लिए बताया, बाकी बाप और भाई इज्जत करो, है ना, इज्जत, अगर हम कहते हैं माँ बाप को परवाह करने वाला, है ना, होना ही चाहिए, बच्चों की परवाह करने वाला होना ही चाहिए, तो क्या हो जाएगा, पेरेंट्स आर मेड टू बी केयरिंग ऑफ देयर चिल्ड्रन, समझ में आया, कार्टून्स, आप कोई कार्टून्स देख रहे हैं, अगर आप एक कार्टून्स देखो मजा आ गया, एकदम चीर फाड़ दो, वहां देखिए तुम फनोइस बिचवस काट के निकाल दे, फिर जोड़ दिया था, इसी किसी बता रहे हो, जो कोई बच्चा बताता है एकदम एक्साइटेड, अरे अभी तुम होता ना, हम तो एक बार इसी इतने खुश हो गए थे फनोइस फेंक दिया, फिर देखिए हमारे फनोइस, हम सोचे बगल ही वाला लिख फोन था, समझ पा रहे हो ना, ऐसे जैसे जब बहुत ज्यादा लोग एक्साइटमेंट हो जाते हैं तो ऐसे बताते हैं, और ये सही भी हो जाता है कभी कभी, दूसरे फोन के चक्कर में अपना ही फेंक देते हैं, तो अगर हम कहते हैं कार्टून्स, जैसे आप कह रहे हो कार्टून्स सर कार्टून्स कर रहे हैं, तुम कह रहे भाई कार्टून्स को हास्यमय होना ही चाहिए, कार्टून्स कॉमेडी का मतलब ही है कि जिसमें हंसते हंसते थक जाओ वो कार्टून्स, और जिसमें कोई मजा ही नहीं है हंसी ना है वो, उसे कहोगे को बेकार था, आधा घंटा टाइम बर्बाद गया, है ना, तो समझे, तो कार्टून्स को हास्य में होना चाहिए, कार्टून बनाए ही इसीलिए जाते हैं ताकि लोगों को हंसा सके, तो क्या हो जाएगा, कार्टून्स आर मेंट टू बी फनी, हाँ फनी मतलब ना लाफिंग बोल सकते हैं, फनी ज्यादा सही रहता है, अरे फनी फनी, कार्टून्स आर मेंट टू, कार्टून्स फनी के लिए ही होते हैं, फॉर लाफिंग हंसाने के लिए ही होते हैं, फॉर मेकिंग लाफ हंसाने के लिए ही, लेकिन ये कार्टून ऐसा नहीं है जो अभी हमने किया, दिस इज नॉट लाइक दैट, क्लियर, समझ में आया, चलो कैसा कैसा नहीं आप लोगों को समझ में आ जाए, बाकी मैं कार्टून से नहीं कर रहा हूं भाई, पढ़ा रहा हूं, हां थोड़ा कार्टून्स को जरूर इंक्लूड कर रहा हूं समझाने के लिए, है ना, ताकि आप लोग बोर ना हो, पूरा लास्ट तक बना रहे, समझते रहे तक, है ना, नहीं तो कहोगे अरे यार कब ये क्लास खत्म होगी, कब जेल से मुक्ति होगी, परेशान मत हो, रिहाई पत्र बन रहा, जमानत पत्र अभी नीचे बन रहा, अभी तब तक चलो आगे, अगर करें नीड टू हैव प्लस नाउन आ जाए तो इसका मतलब पास होना ही चाहिए, अध्यापक के पास क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, अध्यापक के पास ज्ञान होना ही चाहिए, अध्यापक इसीलिए बने ही हैं, अध्यापक उन्हीं को कहते हैं जिनके पास ज्ञान है, उनसे सब थोड़ी है, आप कर नहीं, अध्यापक के पास ज्ञान तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा उसका प्रयोग करना भी होना चाहिए, बताना भी समझाना भी होना चाहिए, तो अध्यापक के पास ज्ञान, अब ज्ञान नाउन की बात करें, ज्ञान होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, द टीचर्स नीड टू हैव नॉलेज, नॉलेज क्या हो जाएगा, लर्निंग मतलब ज्ञान, द टीचर्स आर नीड टू हैव, और यहां पर क्या कर दो, नॉलेज, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, टीचर्स है ना, आर मेड टू हैव नॉलेज, टीचर्स के पास नॉलेज होना ही चाहिए, या आप ऐसे बोल सकते हो टीचर्स आर मेन, टीचर्स आर मेड सो, टीचर इसीलिए बनाए जाते हैं, इसीलिए बने हैं, सो दैट, वैसे ये नहीं, यही है यार, ज्यादा बनाने के चक्कर में बिगड़ जाएगा, सबसे अच्छा बढ़ना है ना, The teachers are made to have knowledge, है ना? बच्चे, बच्चे, बच्चों के पास शरारत होना ही चाहिए,
भाई अगर शरारत नहीं तो बच्चा पकड़ा था। जो बच्चे नहीं होते हैं, जो कहते हैं अरे हम युवा हो गए हैं, बच्चे नहीं हैं, वो क्या करते हैं? शरारत नाम की चीज उनके अंदर खत्म हो जाती है। कभी आप कहते हो देखो किसी को कहते हो तो उनके पापा एकदम बच्चों जैसा बन जाते हैं। बच्चों जैसे कब बन जाते हैं? बच्चों के साथ शरारत करने लगते हैं, बच्चों जैसे हरकतें करने लगते हैं। बड़ा अच्छा लगता है बच्चों के साथ, किसी के साथ खेलना उसी के जैसा, है ना। अब पता नहीं बाप बाप बनकर बैठा है, लड़के को चुप शांत एक लफ्ज भी बोलने नहीं दे रहा, तो लड़का क्या करेगा? बाप के सामने नजर नहीं आए। मेन समय था पापा पैसा चाहिए, वो भी मम्मी से पहले सिफारिश कर रहे, गृह मंत्री बाप से कह दो 100 रुपए दे, तो वहां जाना मतलब प्यार से कहता मम्मी वापस कर दो इतना दे। फिर मम्मी कहेंगी जाकर नहीं, हम नहीं जाएंगे उसे, पता नहीं कैसे हम सब उनका मूड रहता है ना, ऐसे रहता है बड़ा खतरनाक। कुछ पापा रहते हैं खतरनाक टाइप के, और कुछ के होते मस्त बिंदास, चाहे जैसे हाँ हंसी मजाक मस्ती भी कर दो। कभी बोलते हैं अरे यार बहुत पैसा है ना, जब पापा अच्छे होते हैं उनसे मजाक भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं मजाक के मोड में। और बाप बताओ यार 100-200 रुपये दे दिया करो, अपना तो रोज 70 रुपये का चलता है, 10 रुपये टॉफी खाने के लिए दे दिया करो, है ना। और खासकर अगर कोई दिया हुआ हो तो मजाक करो, देखो ऐसा नहीं करना है। हो सकता है इसका अपोजिट रिजल्ट निकल जाए। आप पिछले दिन दिखाओ सर जी देखो इतना मार खाए हैं, काला काला निशान हुआ है, आपका तरीका फेल हो गया। तो इसमें हम है ना देखेंगे केवल, जो होगा हम देख लेंगे, तो देखेंगे हाँ चोट खाए। तो चलो यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया आपका सारा, हो गया ना। तुम इसलिए नहीं बने हो कि तुम्हारे पास ज्यादा पैसा होना चाहिए, इसका मतलब क्या होगा? यू आर नॉट मेड हो जाएगा, यू आर नॉट मेड, है ना। डेट यू शुड हैव अ लॉट ऑफ मनी, या हम कह दें तुम इसीलिए बने हो, तुम पैसे के लिए ही बने हो। यू आर मेड टू हैव अ लॉट ऑफ मनी, है ना, तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, इसीलिए तुम बने हो, पैसे के लिए ही बने हो। क्लियर है? वही संसार समझ में आया? अच्छा पास कहां आया मतलब तुम पैसे के, मतलब तुम्हारे पास पैसा ही होना चाहिए, इसीलिए भगवान ने तुमको बनाया है ना। तो सेंस समझ कर, हां सेंस यहां समझ। अच्छा अब यहां मेंट फॉर डूइंग समथिंग या सम, डूइंग समथिंग या समथिंग या जो है समोन, इसका यूज कैसे होगा? जैसे हम कहते हैं तुम बिजनेस के लिए बने हो, तो अब यहां समझना तुम बिजनेस के लिए बने हो या तुम बिजनेस के लिए हो, तो यू आर मेंट टू फॉर बिजनेस, तुम बिजनेस, यू आर मेड टू बिकम फॉर बिजनेस, या यू आर मेड टू फॉर बिजनेस, तुम्हारा मतलब है कि बिजनेस करना। हम कहते हैं तुम बिजनेस करने के लिए ही बने हो, तो यू आर मेड टू डूइंग बिजनेस, तुम्हारा मतलब है कि बिजनेस करना, यू आर मेड टू, तुम इसीलिए हो डूइंग बिजनेस, कि बिजनेस करो, जिंदगी भर बिजनेस, मरते दम तक बिजनेस करोगे, मरोगे तब भी बिजनेस करोगे, शराब देंगे। हाँ उसका क्या हिंदी होगा? इसकी हिंदी अब यहाँ सेंस आता है ना, किसके लिए जो भी आता है सेंस, जैसे हम बिजनेस करने के लिए तो डूइंग और समथिंग पर आपने समथिंग पूछा है तो बिजनेस करो, है ना। हम कहते हैं ये किताब पढ़ने के लिए ही बनी, दिस बुक इज मेड फॉर रीडिंग, समथिंग आ रहा है। और वहां पर भी लो ऐसे ही होगा नहीं, यहाँ सेंस अलग है, यहाँ पर अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ सेंस अलग। हम जैसे कहते हैं वो मेरे लिए ही बनी, मान लो एकदम प्यार का भूत सवार हो जाए, मैं ये पगला जाऊं और कहूँ गो शनिदेव काजल तुम मेरे लिए ही बनी हो, कुछ भी ऐसा है, तो क्या हो जाएगा? यू आर मेड टू, हाँ यू आर मेड फॉर मी, है ना, समझे? इतना समझ में आया? हम कहते हैं हम एक दूसरे के लिए बने हैं, तो वी आर मेड फॉर ईच अदर, फॉर ईच अदर, समझ में आया? yes, तो ये हो गया पोस्टमार्टम। पहले आपने देखा मेड टू वन भी वन, मतलब करना ही है, करना ही तो होता है, और जो है करने के लिए ही बने हैं। दूसरा आपने देखा मेड टू टीच का, सॉरी मेड टू भी एडजेक्टिव का मतलब होना ही चाहिए या होना ही होता है ना, जैसे तुमको गधा ही होना चाहिए, पता नहीं कहां से इंसान हो गए
do you are meant to be and as you are meant to be a donkey, है ना? By the mistake you are born in a human, गलती से तुम इंसान के रूप में जन्म ले लिए, है ना? सब ऐसे कुछ भी आप चेंज कर सकते हो, मतलब meant to have plus noun का मतलब past होना ही चाहिए, और यहाँ पर ये तो sense के guidance में चाहिए, ये तो समझ में आया? सारी चीजें क्लियर हुई? यहाँ से कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम, चलो ठीक है, हाँ तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट।